सुप्रीम कोर्ट ने जड़ावाला वाक़े पर पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। रिपोर्ट देखने के बाद मुझे शर्मिंदगी हो रही है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने दलाइल में कहा कि 22 FIRs में से 18 के चालान जमा हो गए। चीफ जस्टिस गाजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि माशाला से 6 माह में सिर्फ 18 चालान हुए। दूसरी जगहों पर जाकर इस्लामोफोबिया पर ढंडोरा पीटते हैं और खुद क्या कर रहे हैं, गैर मुस्लिमों के साथ जो सलूक भारत में हो रहा है वो कॉपी करना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को तलब कर लिया। निगरान वजीर आजम को लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस में बुलाया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि निगरान वजीर आजम पीर को 10 बजे खुद पेश हों। जो लोग भी इस काम में मुलव्वस हैं इनको फांसी होनी चाहिए। आमतौर पर एक बार फांसी होती है, इन केसेस में मुलव्वस अफराद को 2 दफ़ा फांसी होनी चाहिए। अभी निगरान वजीर आजम को बुलाता हूँ और फिर मुंतखब वजीर आजम को तलब करूँगा। अदालत ने समाअत मुलतवी करने की इस सदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद में बड़ी सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की दूसरी नशस्त आज फिर होगी। हुकूमत या अपोजिशन में बैठने पर पार्टी अराकीन मुशावरत होगी। JUI की मजलिस आमला का इजलास भी आज होगा। मौलाना फजलुर्रहमान सदारत करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी के लिए पावर शेयरिंग की तजवीज़ ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में इत्तेहाद में ज़्यादा सीटें लेने वाली जमात का वज़ीर आज़म 3 साल तक कुर्सी पर बैठेगा। दूसरे मरहले में 2 साल के लिए दूसरी बड़ी जमात का वज़ीर आज़म होगा। वजारती उज़्मा के लिए 2 पार्टियों में बंदर बांट हो रही है। एक कहता है कि 2 साल वज़ीर आज़म तुम और 3 साल के लिए मैं बन जाता हूँ। PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से हार गए थे, उन्हें कबूल कर लेना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक ने जमहूरी रिवायात के तहत शिकस्त तस्लीम की। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ख्वाजा आसिफ भी शिकस्त तस्लीम कर लें। ताजपोशी के लिए लाए गए जिले सुबहानी के ख्वाब चकनाचूर हो गए। अवाम ने PTI को मैंडेट देकर चारों शाने चित कर दिया। इलेक्शन में PTI को हाथ पाँव बांध कर मैदान में उतारा गया। बानी PTI को गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर सजाएं दी गईं। PTI किस जमात से इत्तेहाद करेगी, हतमी फैसला बानी PTI ही करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि हमें कहा गया था कि बानी PTI की सियासत खत्म हो चुकी, लेकिन जो खुदा करता है वही होता है। बानी PTI की सियासत को खत्म करने वाले खुद सियासत से दस्त बरदार हो चुके हैं। अवाम ने हमें मुंतखब किया, कोशिश होगी कि लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरें। इत्तेहाद के हवाले से मुशावरत चल रही है, पार्टियों से राबते भी हैं। पाकिस्तान में आम इंतखाबात, अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तानी हुकाम से राबता। अंतोनियो गुतरस का इंतखाबात के बाद दरपेश मसाइल के कानूनी हल पर जोर। तर्जुमान के मुताबिक अंतोनियो गुतरस का कहना है कि पाकिस्तान की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। इंसानी हकूक और कानून की हुक्मरानी के लिए पाकिस्तानी अवाम के मफाद का मुकम्मल एहतराम किया जाए। पाकिस्तानी हुकाम और सियासी रहनुमाओं से अपील है कि वो पुरसकून माहौल को बरकरार रखें, किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जो कशीदगी का बाइस हो। अमरीका ने पाकिस्तान में इंतखाबी अमल में पेचीदगियों पर तशवीश का इजहार कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि इंतखाबी मुदाखलत और धोखादही के इल्ज़ाम की कानून के मुताबिक मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। हम पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती, आइन का एहतराम, आज़ाद मीडिया और मुतहरिक सिविल सोसाइटी का तहफ़ चाहते हैं। इलेक्शन के दौरान सियासी तशद्दुद, इंटरनेट और फ़ोन की बंदिश की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तानी अवाम ने जिस रहनुमा को मुंतखब किया है इसके साथ काम करने को तैयार हैं। पाकिस्तानी अवाम को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने पर मुबारकबाद देते हैं। N-130 ने नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ आज़ाद उम्मीदवार की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट की दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन से रजू करने की हिदायत कर दी। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि CCPO लाहौर की मौजूदगी में हमें RO ऑफिस से निकाल दिया गया। जस्टिस अली बाकर नजवी ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन लड़ना हर शहरी का हक है।
आप अपने तमाम तहफ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन को बताएं। हमजा शहबाज को पीपी 147 से कामयाबी के खिलाफ ही दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन से रजू करने की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट का शहबाज शरीफ की जीत पर सूबाई हल्के में दोबारा गिनती का हुक्म। अदालत ने पीपी 164 में इलेक्शन कमीशन को हिदायत के साथ दरख्वास्त निपटा दी। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि आरओ ऑफिस में वोटों की गिनती के दौरान बैठने की इजाज़त न देने और फॉर्म 47 जारी करने के इकदाम पर चैलेंज किया। इलेक्शन कमीशन ने वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दिया, अमल दरामद का हुक्म दिया जाए, पीपी 164 के नतायज जारी करने के इकदाम को कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन से रुजू की हिदायत कर दी। चार जमाती इतिहाद की कॉल पर कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में शटर डाउन हड़ताल। तमाम पार्टियों के कारकुनों का 5 रोज से डीआरओ दफ्तर के सामने एहतजाजी धरना। मरकजी अंजुमन ताजुरान बलूचिस्तान के सदर ने भी सियासी जमातों के साथ इस हार यकजहती करते हुए सूबे भर में शटर डाउन कर दिया। और चकवाल के इलाके में शोहर ने बीवी और 4 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। मुलजिम शफकत ने अहलिया और बच्चों को गोली मारने के बाद पुलिस को इतला दी। पुलिस के पहुंचने से कबल ही मुलजिम ने खुद को भी मार डाला। पुलिस हुकाम का जाय वकुआ का दौरा, शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मुलजिम ऑनलाइन कारोबार करता था, नुकसान की वजह से परेशान था।